शिव होटल फगवाड़ा रोड जंडियाला जिथे की शानदार मैरिज हॉल किटी हॉल एसी रूम्स रिंग सेरेमनी किटी पार्टी बर्थडे पार्टी की फैसिलिटी मौजूद है। दूरों दूरों लोगों द्वारा शिव होटल में बहुत ही पसंद किया जाता है। साई टीम ने इतने लोगों ने गलबात की जिन्होंने शिव होटल की बेहद तारीफ की। साई टीम ने इतों के मैनेजर सर भी गलबात की जिन्होंने सामने शिव होटल बारे जानकारी दी। सो जेकर तुम भी अपनी मैरिज किटी पार्टी बर्थडे पार्टी रिंग सेरेमनी यादगार बनाना चाहते हो तो पहुंचो शिव होटल फगवाड़ा रोड जंडियाला। आयो इत्थे शिव होटल दे उपर किदां दा एक्सपीरियंस आ तुहाडा? की कहना चाहोगे कि आपां जंडियाले च खड़े हाँ लेकिन ओह लग रहा भी किसी वड्डे शहर दे विच इह पैलेस या जिहड़ा इह होटल बनिया होया होवे? इदां ना मैं तां बहुत चिर दा पुराना ही आउंदा हाँ। मैं अमेरिका च रहिंदा, अमेरिका तों जाणी के साल बाद मैं इत्थे आ जांदा तां साडे घर दे बंदे आ जिहनां दा जिहदा वी मतलब दा इह आ तां बहुत वधिया आ। कोई जाने के बहुत ज्यादा इतने आने जाने भी कोई इदा कोई प्रॉब्लम अज हम साल बाद आए हैं। किधर है? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया देख के लगता है। तो शहर में भी वधिया लगता हूँ। जंडियाला हूँ कस्बा शहर च ही आ गया जी, ये हूँ पिंड थोड़ों रह गया है। थले जो उस बार बनी है उपर यह बनिया अपना रिसोर्ट है, बहुत वधिया लगता है, गुड फील है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि जौहर साहब ने ये जो वेंचर बनाया है जिसमें पेंडू एरिया में शहरी सुख देने की उन्होंने कोशिश की है और NRU जैसा जो है टच है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे कि जंडियाला एक सिंपल गांव था पहले, यहाँ से लोगों को जलंधर और फगवाड़ा जाना पड़ता था लेकिन आजकल जैसे ये संभव कर दिया उन्होंने, यहीं पर ही बढ़िया फंक्शंस हो सकते हैं, फुली AC है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो बात आपकी सही है, जो पहले लोग बाग यहाँ के शहरों में जाते थे, अभी जो शहर में नहीं मिलता उससे बढ़िया यहाँ पे फैसिलिटी हम गेस्टों को दे रहे हैं। सारे NRI आते हैं, खुश होके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जॉब सर है उनका माइंड ये है कि मैंने लोगों को एक सहूलत देनी है, मैंने एक सर्विस देनी है और उसको लेकर वो हमेशा खुद तत्पर रहते हैं, खुद हमेशा इंटरवीन करते रहते हैं कि कोई भी मेरे जो मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी में आएगा उसको मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज़ में एग्री करता हूँ मैं। वो खुद जो है यहाँ बीच में रहते हैं, खुद ही देख रेख करते हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई गेस्ट आता है उसको ये दिक्कत ना हो, मेरा नाम खराब ना हो, खुद जो है मैनेजमेंट आप बैठ के करते हैं, खुद इसलिए जब तक नहीं होती है जब तक कस्टमर खुश हो। क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो बाहर की बात है चाहे हम लोग बात कर रहे हैं बाहर, देख सकते हैं बहुत ही खुला खुला बाहर अरेंजमेंट है, लोग अब गर्मी का महीने आ रहे हैं बाहर भी इंजॉय कर सकते हैं, अंदर भी पूरा AC हाल है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी में हमारा फुल एयर कंडीशन है, बाहर भी बैठते हैं, लॉन में भी हम जो है बैठने की व्यवस्था करते हैं, अंदर पूरा एयर कंडीशन है और जहाँ गेस्ट जो है पसंद करता है हम उसकी व्यवस्था हम करते हैं। एक हमारे पास छोटा हॉल भी है, कोई रिंग सेरेमनी कोई जो है किटी पार्टी बर्थडे पार्टी 100 बंदे का जो है उसकी गैदरिंग आती है ऊपर हॉल में, कुछ मिनी हॉल भी हमने जो बनाया वो भी पूरा एयर कंडीशन है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नॉन वेज और वेज, जो वेज है उनका भी कदर किया जाता है, उनके लिए अलग से होता है, नॉन वेज के लिए अलग से, मतलब ये नहीं है कि वेज और नॉन वेज जो साथ ही हो, मतलब उसके लिए डिमार्केशन, क्योंकि जॉल साहब हमेशा ये चाहते हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को कभी भी ठेस ना पड़े। नहीं सर, जो वेज खाना है वो हमारा अलग बनता है, जो नॉन वेज है उसका अलग सिस्टम बना रखा है, तो वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा आपको, पर अलग अलग हमने जो है डिपार्टमेंट बना रखे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुला डुला ये लॉन है और पास में जो पार्किंग की फैसिलिटी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पार्किंग हमारे पास काफ़ी बड़ी है, 300 गाड़ियाँ वहाँ पे आ जाती हैं पार्किंग में, काफ़ी बड़ा जो है हमारा जो है पार्किंग का बना रखा है, चार दीवारी पूरी सेफ्टी है, गेट लगा रखा है उसमें जो है बकायदा सिक्योरिटी गार्ड हमारे दो खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चेन है, एक कस्टमर आता है आगे आगे चेन बनाता है, दूर दूर से लोग आने शुरू हो गए हैं और जॉल साहब ने हमेशा प्यार के साथ हर बंदे का सम्मान किया है और हमेशा वो यही कहते हैं कि जो मेरे एक बार प्रमिज में आ जाए वो खुश होकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, गेस्ट के साथ तो रहते हैं सर, वैसे भी वो एक सोशल वर्कर है, कोई पिंड में जो है किसी को कोई प्रॉब्लम होती है सबसे आगे जो है जो यहाँ के जो है जो डायरेक्टर हैं सबसे आगे जो है वो रहते हैं, हर जगह जो है वो जो है सेवा के लिए जो है सबसे आगे वो खड़े रहते हैं, कहीं पर भी कोई पिंड में किसी को कोई परेशानी होती है, कोई गरीब आदमी कोई मतदाता बनते को जो है वो सबसे पहले रहते हैं।
आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, आप यहाँ सेवा के कुंज बन के सेवा कर रहे हैं और आपको भी उन्होंने अपने बेटों की तरह रखा है। कोरोना का आपका समय आया लेकिन उन्होंने आपको अपने बेटों की तरह ये बोला कि नहीं भाई, आप किसी ने यहाँ स्टाफ का कमी नहीं की और लोगों की सेवा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोरोना काल आया था उस टाइम पर हम साथ में थे, काफ़ी टाइम मेरे को जो उनके पास हो गया है, तकरीबन 17-18 साल मेरे को उनके साथ हो गया है। यहाँ पे मेरा फैमिली जैसा ही है, घर जैसा ही है, यहाँ पे रहता हूँ उनके साथ। नौकर की तरह जो है, अजय नौकर नहीं काम करता हूँ, फैमिली की तरह पूरा जो है पूरी जिम्मेवारी से काम करता हूँ। थैंक यू।